देखिए उधर से सूरज उग रहा है, सुबह सुबह फुआ घर का नजारा क्या ही एकदम मस्त लग रहा है। खुलना देहात का आदमी हम लोग नहीं चलाने जानते पूरा मिक्सी अच्छा से। ये देखिए कितना बड़ा खीरा है, धान कैसा लग रहा है। इधर जितना भी है ना सब इन्हीं लोग का है ना। देखिए एक डेक्ची हो गया है एकदम। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल सोनम प्रिया ब्लॉग्स में। तो दोस्तों अभी दोपहर हो चुका है और हम लोग सब खाना पीना खा के रेडी हो गए दोस्तों। और फुआ बोल रही है कि इनका ना मकई पूरा पक गया है, तो वही वाला जा रहे हैं अभी भांगने के लिए। और कुछ कुछ गादर भी होगा ना, तो बोला हम लोग आज पुआ रोटी पकाएंगे का पीस के। पुआ रोटी एकदम पूरा मस्त से पकाएंगे, एकदम पूरा रोटी सब खा जाएगा, इसलिए कहते हैं कि चलिए फाड़ देंगे। हाँ चलिए, तो पत्तियां उठाइए। शाम शाम में ना अच्छा एकदम पूरा मस्त से एकदम हम लोग पुआ बना के खाएंगे का मुकेश। और इधर देखिए दोस्तों फुआ का धान कैसा लग रहा है। इधर जितना भी है ना सब इन्हीं लोग का है ना। सब हम लोग का है। हाँ, देखिए फूट भी रहा है। सब फूट रहा है, हम लोग तरफ रोपेबे नहीं किया। नहीं तो हम लोग तरफ भी ऐसा ही लगता है एकदम पूरा हरियाली हरियाली। कुआं से रोपे हैं। अच्छा ये वाला अच्छा हो जाता है ना, इधर खेती बाड़ी करने का सब चीज हो जाता होगा। सब कुछ होता है। क्या क्या लगाए हैं? मकई लगाए हैं, बोदी लगाए हैं, और एक दूसरा खीरा लगाए हैं। अच्छा ओल भी लगा दिए हैं। सब है चीज है, थोड़ा थोड़ा ना थोड़ा कुछ है। इतना बड़ा बड़ा हो गया ओल? बहुत बड़ा बड़ा आगे और बड़ा बड़ा है। हाँ लेकिन और इतना मोटा मोटा आकाश भी आया। हाँ आकाश भी है, मुकेश भी है, सब हम लोग अपना चिड़ी पीछे लाग रहे हैं। जल्दी होगा इसीलिए ना। हाँ, जल्दी होगा, हाथी अगर आएगा तो खा जाएगा इसलिए। इसलिए जल्दी घुसाना ही ठीक। और वो छोटा छोटा वाला ना अलग रखिएगा, उसका पकाएंगे पुआ। ये देखिए पुआ का मकई बहुत बड़ा बड़ा हो गया है लेकिन बाइल ना। ये देखिए ये सब हो गया। हाँ सब हो गया, सब पक गया। हाँ तो रात को फालतू ना बर्बाद करेंगे। हाँ बोदी भी है। हाँ बोदी है, उधर खीरा भी है। ये देखिए कितना बड़ा खीरा है, ये कर्मा में काम देगा ना फुआ। हाँ ये कर्मा के लिए है, इसीलिए बचा के रखे हैं। तो अब चलते हैं जल्दी से, हम भी भांग देते हैं, जल्दी जल्दी होगा। इधर वाले तो सब पक गया है। तो हम लोग जल्दी जल्दी भांग लेते हैं, उसके बाद छोटा छोटा वाले इनको अलग करना पड़ेगा। जो दूधाल दूधाल है ना, ये सबको अलग करना पड़ेगा। तो हम लोग पूरा मकई भांग लिए, एकदम पूरा खत्म हो गया लगता है। चलो सुशीला हो गया। हाँ हो गया, चलो। ये देखिए इतना सारा मकई हो गया है, इतना ढेर हो गया है। और उधर खांची में भी है, अब यहाँ से ना छांटना पड़ेगा अथी वाले का दूधाल वाले। हो गया ना सब खत्म हो गया ना। सब खत्म हो गया, अब ये वाला हरिया हरिया जो वाला है ना। हाँ वही वाला छोड़ा के एकदम अच्छा से बनेगा का। चलिए सब छांटिए, खाली दूधाल वाला वहाँ देना है। हरिया तो हाँ कैसे है, जो भी निकलेगा वही सबको ठीक लगे। हाँ देखिए कैसे नहीं है कि बन जाएगा। हाँ जितना खाना है जितना पकाना है आज आज लास्ट है ना, ये सब में निकलेगा। ये देखो देखो ना फाड़ के। ये कुछ हो ये नहीं है, चलो इतना पीसना नहीं पड़ेगा, मेरा मिक्सी है। हाँ मिक्सी है थोड़ा सा। तो हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट ये सब भर लेते हैं बैग में, बैग में बोल रहे हैं कांटी में, उसके बाद चलते हैं घर क्योंकि शाम हो रहा है। शाम हो रहा है, बारिश का मौसम। हाँ बारिश का मौसम बना दिया, पूरा अंधेरा टाइप से कर दिया ना, काला काला बादल। ये डाल दो, इसमें डाल दो। हम्म
चलिए अब वाला उठा जाता हो या पोथिया। तो हम लोग सब उठा लिए हैं, अब चलते हैं घर। तो हम लोग घर पहुंच गए, अब इसको छुड़ाते हैं। इसको छुड़ा के दाना निकाल लेंगे, उसके बाद मिक्सी में पीस देंगे। हाँ छोड़ा छोड़ा, तो हम लोग फटाफट ऐसे छुड़ा लेते हैं, उसके बाद दाना छुड़ाएंगे। देखिए हम लोग इतना सारा मकई छोड़ा लिए हैं पूरा, देखिए पत्ता सब निकाल दिए हैं, इतना सारा हो गया है आधा परात। अब छोड़ा के देखते हैं कितना सारा दाना होगा, उसके बाद फिर बाद में छोड़ाएंगे क्या। तो जल्दी जल्दी छोड़ाते हैं इसको, हम छोड़ेंगे। छोड़ा छोड़ा, देखिए सभी लोग छोड़ाने में लग गए हैं, ज्यादा नहीं है, अब एक आध दो गो बच्चा है। पूरा घर वाला छोड़ाने में लग गए हैं, प्रीति सब भी छोड़ाने में लग गया, बाबू भी का जल्दी खाना है ना। हाँ अपना अपने अपना अपने चार कर रहे हैं। हाँ देखिए इतना हो गया है हम लोग का, अब दो चार गो है वो सब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इसको मिक्सी में पीस देंगे। अभी तो लाइन कटा हुआ है, देखते हैं कब तक आता है। लाइन को इंतजार करना, लाइन का इंतजार करना पड़ेगा। अब मैं तो सुबह हो जाएगा। नहीं नहीं अब ये खाएंगे, देखते हैं लाइन कब तक आता है। ये सब जो है ना अभी मकई का जो गिर गया है, ये सब थोड़ा पोछर लेंगे सूप में का, तब निकल जाएगा ये सब। जोंधरा का दाढ़ी है, ये सब निकाल लेंगे अभी। वो अभी पोछर दे रही है जो है ना, वो सब निकलेगा इसीलिए पोछर दे रही है ना। साफ हो रहा है। हाँ साफ होगा कि। तो अभी लाइट आ गया है, और अभी देखिए कुआ भी मिक्सी सब जुगाड़ कर रही है पीसने के लिए। रखा हुआ था ना। हाँ रख दिया था, को क्या रख। अच्छा इसीलिए थोड़ा गंदा हो गया, पोछ लीजिए। और देखिए हम लोग का पूरा मकई पूरा साफ हो गया है, कुछ भी नहीं है, अब पूरा एकदम साफ किए हम लोग। बहुत देर के बाद लाइट आया ना। हाँ, बहुत देर और बारिश भी हो रहा था ना, इसीलिए तो हम लोग जल्दी से पीस लेते हैं अभी, नहीं तो फिर कटेगा ना, तो हम लोग का रह जाएगा इतना सारा मकई है, बर्बाद हो जाएगा। हाँ देखिए फुआ भर ली, और भर दे, हो जाएगा अंदर में, इसको पोछे ना। हो गया रे, देखते हैं घूमेगा। हाँ, टाइट कीजिएगा। हाँ एक फेस में लाइन नहीं ना, टाइट हुआ है। हाँ। जा काम को लाना, नहीं हो रहा है। दोनों फेस में लाइन खोजता है, एक ही फेस में ना है। अच्छा एक फेस में लाइन नहीं है इसीलिए नहीं हो रहा है, अब पता नहीं होगा कि नहीं। कम कम कीजिए। अच्छा देखते हैं कल। सुबह में कूटेंगे, कल को आएगा। हाँ हम लोग दोस्तों ये वाला एकदम खाएंगे ना, इसीलिए सोच रहे थे कि भात नहीं बनाएंगे, लेकिन अब भात बनाना पड़ेगा। हो रहा है। हाँ हो रहा है। कभी कभी हो रहा है। कट कट क्यों हो रहा है। अच्छा होने दीजिए, होता है तो। हाँ पानी पानी चाहिए पानी। अरे बंद कर दीजिए, बंद बंद कीजिए। डाल दिए पानी। हाँ डाल दिया। हो रहा है आज के डेराल जी से। लगता है कि मछली जो लाता। हाँ वोल्टेज भी कम है, तो वोल्टेज थोड़ा सा ज्यादा रहता ना तो हो जाता। ये सब पावर वाला रहता है कि। देखिए दादी ना ये तसला लेके खड़ी है, कब तक होगा वाला, यहाँ रखेंगे ना। लगता है नहीं होगा दादी। नहीं होगा। हाँ देखिए होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर खाना बनाना पड़ेगा हम लोग। खाना बनाना पड़ेगा, इसी का चक्कर में हम लोग खाना नहीं बना, खाना नहीं बना। हम लोग खाना बनाने खोज रहे थे, लेकिन सोचे कि ये वाला से पेट भर जाएगा, इतना सारा पकाएंगे तो हो ही जाएगा हम लोग का, लेकिन अब तो सिचुएशन देख के लग रहा है कुछ नहीं होगा। सिलेट में इतना पीस नहीं नहीं सकेंगे, नहीं ये एक सूप है, कैसे सकेंगे सिलेट में, आदमी का हाथ दर्द देने लगेगा। कम से कम लगता है कि पांच पहले हो जाएगा। हाँ हाँ होगा कि इतना। सुबह में पका देंगे। हाँ आग तो जल ले है ना। हाँ हाँ
पुआ खाने का शौक था, सब चौपट हो गए। पुआ घर में पुआ नहीं है, पुआ पुआ बना के खिलाने वाली थी लेकिन नहीं हुआ, क्या करें अब। नहीं होगा बेटा, अब देखते हैं, अगर सुबह में लाइट आया ना, वोल्टेज रहा तो सुबह में पका देंगे का। हाँ सुबह में पकाएंगे। हाँ देखते हैं, वेट करते हैं, तब तक हम लोग चलते हैं खाना बनाते हैं। तो अभी लाइन कटा हुआ है दोस्तों, और पुआ दे दी है चावल सीजने के लिए। देखिए अभी भात दबक रहा है। सब्जी क्या बनाइएगा आज? तो हम लोग सोच रहे हैं कि सब्जी नहीं बनाएंगे तो दूध से ही भात नहीं खाएगा। हाँ कैसे नहीं, दूध से भी हो जाएगा, दूध से भी खा सकते, गर्मा गर्म भात रहेगा तो का। ये देखिए दोस्तों, हम लोग का खाना लग गया है, थोड़ा दूध भी डाल दी है इसमें। देखिए एकदम मस्त दूध ना, छपर छपर हो गया है, ताजा दूध है ना। ताजा दूध भात खा रहे हैं। हाँ दूध दे दीजिए थोड़ा सा, पर्सन दूध अभी का दुहल है ना। देखिए पूरा एकदम माड़ भात जैसा हो गया है दूध में। सुबह में दिखाएंगे दोस्तों पुआ पका के, कहे कि अभी तो मिक्सी चला नहीं, देखते हैं अगर लेट हो गया। हाँ अब देखते हैं सुबह क्या होता है, फिर सुबह में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट। तो अभी सुबह हो चुका है दोस्तों, तो सुबह का आप सबको प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और देखिए दोस्तों सुबह सुबह फुआ घर का नज़ारा क्या ही एकदम मस्त लग रहा है। देखिए उधर से सूरज उग रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, अभी पूरा नहीं दिख रहा है, क्या ही एकदम हरा भरा लग रहा है। और इधर देखिए घर है, मतलब छोटा सा गाँव है, जंगल के पूरा ना किनारे ही है फुआ का घर, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, सिर्फ नीचे साइड है खेत खलिहान पूरा। एकदम दोस्तों यहाँ का नज़ारा इतना मस्त है ना, एकदम देख के आनंद आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। तो अभी हम लोग पकाने जा रहे हैं, जो मकई का जो हम लोग कल छुड़ाए थे ना वो वाला आज पकाएंगे। तो देखते हैं लाइन का वेट कर रहे हैं कब तक आता है, सुबह सुबह यहाँ आता नहीं है, सुबह सुबह कट जाता है लाइन, देखते हैं लाइन आया है कि नहीं। तो अभी लाइट आ गया है दोस्तों, सुबह का 8 बज रहा है और अभी लाइट आ गया है, तो अभी हम लोग पीसने के लिए जा रहे हैं मकईया। अभी हुआ कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, देखिए तो होगा। अच्छा बाहर जोड़ने गए हैं ना, इसका डायरेक्ट एकदम हम लोग लाइन जोड़ दिए हैं, ये यहाँ से कर रहे थे तो यहाँ से हो ही नहीं रहा था, तो हम लोग सीधे जहाँ से लाइन आता है ना वहाँ से जोड़े हैं। तो इतना परेशानी हो रहा है फुआ खाने में, खाने का इच्छा है ना तो खा ही लेंगे। खा ही लेंगे, अभी लाइट है पीस के रख लेंगे, उसके बाद नहा धोवा के पकाएंगे आराम से का। संजत ना है। हाँ आज संजत है, कर्मा का आज संजत है। देखिए मिक्सी चल गया है, देखिए हम लोग का पूरा एक अथी पिसा गया है, अभी उतारने जा रही है, खोलिए। हाँ देखिए कितना महीन पिसाया है, सिलेट में ऐसा होगा नहीं करेगा, नहीं होगा सिलेट, इसलिए तो मिक्सी लिए है। हाँ बहुत आराम है इसमें, कभी भी खा सकते हैं, तुरंत चावल कूटिए तुरंत। हाँ उतने डालिए, थोड़ा सा पानी डाल दे। हाँ थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, हो जाएगा, बिना पानी डाले या नहीं पिसाता है ना, नहीं पिसा। खुलना डर गए थे हम लोग, हे भगवान, ले ले दी पनिया, अरे इतने डेंजर। अभी ठीक हुआ ना, ढक्कन लगा के ही करना है, शायद ना पनिया कम हो जाता है ना, इसीलिए नहीं चल पाता। हाँ देहात का आदमी हम लोग नहीं चलाने जानते पूरा मिक्सी अच्छा से, है ना धक धक मार ले से। अब से थोड़ा थोड़ा दीजिए कम कम। हाँ अब थोड़ा थोड़ा देंगे, उसमें चलेगा नहीं, थोड़ा थोड़ा अब देंगे, भाग खराब उराब हो जाएगा। ओ शायद अच्छा से खपा नहीं है कि का, नहीं खपन तो है, खपा है ना। अच्छा अब फिर से चलाइए तो, अभी अब अच्छा पिसाया ना, अब पिसा रहा है, काम कर दिए थे तब पिसाया, ज्यादा हो गया था लगता है, हम लोग कभी पीसे नहीं तो क्या पता रहेगा कितना डालना है। तभी पूरा फूल हो गया था ना, हो गया।
चलिए रखिए, पूरा देखिए चीटा होके पिसाया है।
तो फूफा जी चल गए दोस्तों बैल खोलने के लिए, नहीं भैंस खोलने के लिए। तो हम और फुआ पकाएंगे। देखिए एकदम मस्त बन रहा है फुआ रोटी, फुआ घर में फुआ रोटी। पूरा ना ये वाला थाली भर गया तो डेक्ची में रखते जा रहे हैं। तो हम लोग का पुआ रोटी बन के रेडी हो गया दोस्तों। देखिए इतना सारा हो गया है, एक थारी है और इधर देखिए एक डेक्ची हो गया है। एकदम इतना सारा बन के रेडी हो गया। इतना एक गमला था तो का तो इतना बनेगा ही। कुछ कुछ खाए भी हैं गर्मा गर्म, इसलिए यहाँ डाल दिए। हाँ और गर्मा गर्म कुछ कुछ खाए भी हैं तो थोड़ा सा कम हुआ है, नहीं तो और ज्यादा था। ज्यादा तो आप लोग को चख के दिखाते हैं, मतलब बताते हैं कैसा लगा हम लोग को। खा लीजिए फिर। बहुत टेस्टी, अच्छा लगा ना। में अच्छा लगा, बहुत टेस्टी। हम लोग घर में पकाए थे ऐसे गुलगुला वाला, एकदम बहुत ही टेस्टी लगा दोस्तों। एकदम खा के एकदम पूरा मजा आ गया। मकई का पुआ रोटी बिना खेले उसको मजा लग रहा है। अच्छा उसका बुखार आ गया थोड़ा ना। तो एकदम पुआ रोटी एकदम खा के मजा आ गया दोस्तों, बहुत ही मस्त बना है। तो चलिए आज का ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।